सीक्रेट इन्वेशन में हमने देखा था कि अब गाया को सारे एवेंजर्स की पावर मिल गई है और वो अब सारे सुपर हीरोज से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन गई है, एंड उसको डिफीट करना सबके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है। बट एक क्वेश्चन है जो कि सबके मन में आया ही होगा, अगर जब गाया के पास सारे एवेंजर्स की पावर्स आ गई है तो क्या वो थॉर को भी हरा पाएगी? अगर एक वर्ड में आंसर दूं तो गाया थॉर को कभी भी नहीं हरा पाएगी। भले ही गाया के पास सारे एवेंजर्स की पावर्स आ गई है बट वो थॉर को कभी भी नहीं डिफीट कर पाएगी। मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ, गाया उन सभी पावर्स को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज कर सकती है। हर एवेंजर्स की पावर्स और एबिलिटी को यूज करने के बाद उसकी पावर अपने आप शिफ्ट हो जाती है, बट अपने थॉर के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी पावर्स को कंटिन्यूसली यूज कर सकता है हफ्तों, महीनों और सालों तक। और वैसे भी थॉर एक गॉड है जिसकी पावर्स कभी भी खत्म नहीं होगी। वो अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर से गाया के दो टुकड़े कर सकता है और जिसको रोक पाना गाया के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। वो थॉर को सिर्फ कुछ टाइम के लिए रोक सकता